ये तो शायद आप जानते हैं कि फास्ट बॉलर्स बॉल के एक हिस्से को चमकाते हैं और दूसरे हिस्से को खुरदरा ही रहने देते हैं। इससे गेंद फेंकने पर खुरदरी सतह पर हवा का फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। खुरदरी सतह पर एयर प्रेशर शाइनी साइड के मुकाबले कम होता है और गेंद खुरदरी सतह की तरफ मुड़ जाती है। मगर आजकल तो फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग भी करने लगे हैं। ये रिवर्स स्विंग क्या है, कैसे होता है ये रिवर्स स्विंग? क्या रिवर्स स्विंग में बॉल लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ घूमती है? क्या रिवर्स स्विंग विज्ञान के नियम तोड़ती है या फिर इसमें भी कोई साइंस है? रिवर्स स्विंग में बॉल खुरदरी सतह की तरफ नहीं पर शाइनी साइड की तरफ स्विंग करती है। इसको एक तरह का चमत्कार भी समझ सकते हैं या फिर विज्ञान से समझा भी सकते हैं। बॉल के पुराने होने पर एक ऐसा मोड़ आता है जब बॉल की खुरदरी सतह का वजन दूसरे हिस्से के मुकाबले हल्का हो जाता है। हालांकि एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत ये कहते हैं कि गेंद लो प्रेशर की तरफ यानी कि खुरदरी साइड की तरफ स्विंग करे जब बॉल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बहुत भारी हो जाता है। गेंद फेंकने पर शाइनी साइड का वजन ज्यादा होने के कारण बॉल शाइनी साइड की तरफ स्विंग करती है और इसी को रिवर्स स्विंग कहते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की विकेट्स पर बॉल जल्दी पुरानी होती है, इसीलिए यहां पर रिवर्स स्विंग ज्यादा देखने को मिलता है। मगर नई गेंद से स्विंग करना भी कला और विज्ञान है। नई गेंद में दोनों हिस्से चमकते हैं और इसलिए बॉल को सीधे फेंकने से बॉल किसी भी तरफ स्विंग नहीं करेगी। गेंदबाज बॉल को स्विंग कराने के लिए एक तरफ प्रेशर घटा देते हैं। बहुत साधारण तरीका है। नई गेंद से स्विंग कराने के लिए गेंदबाज बॉल की सीम को तिरछी पकड़ते हैं। बॉल के एक तरफ हवा का फ्लो सीम से टकरा कर टर्बुलेंट हो जाता है, दूसरी तरफ हवा का फ्लो स्मूथ होता है। जिस तरफ हवा टर्बुलेंट होती है उधर प्रेशर कम होता है और बॉल उसी तरफ मुड़ जाती है। इन तीनों उदाहरणों से एक चीज तो साफ है कि तेज गेंदबाजी का हुनर सिर्फ तेज फेंकना ही नहीं पर गेंद की सीम को सीधी रखने पर भी निर्भर है। गेंद की सीम को सीधी रखने के लिए गेंदबाज गेंद को बैकस्पिन कराते हुए डालते हैं। गेंद की बैकस्पिन की वजह से जायरोस्कोपिक एक्शन काम करता है। अगर गेंद की सीम थोड़ा सा डगबगाए तो स्पिन की वजह से उल्टी दिशा में टॉर्क लगता है जो सीम को सीधी रखता है। ये बैकस्पिन जितनी तेज होगी गेंद की सीम उतनी ही सीधी रहेगी और स्विंग उतनी ही ज्यादा होगी।